हेलो फ्रेंड्स, तो देसी खाने की तो बात ही कुछ अलग है और आज की रेसिपी होने वाली है बड़ी ही मज़ेदार। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही तिखारी की रेसिपी, जो कि है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी। तो चलिए बनाते हैं। तो दही तिखारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, गैस को कर दिया है ऑन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल के, और तेल हमारा जैसे ही गरम हो रहा है हमने यहाँ पे ले लिया है लहसुन। लहसुन की 8-10 कलियाँ मैंने ले ली थी, 2 हरी मिर्च ले ली थी, और यहाँ हम ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर। और फिर अच्छे से कूट के हम तैयार कर लेंगे मसाला। तो ये सब्ज़ी बनाना है बहुत ही आसान और इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे बड़ों सबको पसंद आती है। तो यहाँ तेल हो चुका था गरम, अब हम इसमें ऐड कर देंगे राई, जीरा, आप इसमें हींग का भी तड़का लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है हमारा कूटा हुआ मसाला, जो हमारा लाल मिर्च और लहसुन का मसाला था। देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो अब ये मसाला हमारा हो रहा है, गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे नॉर्मल मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा आमचूर पाउडर। बस ये नॉर्मल से मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मसालों को हमको बिल्कुल गैस की लो फ्लेम पे ही भूनना है। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो यहाँ 8 से 10 कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेंगे और धीमे ताप पे ये मसालों को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी अगर घर में कोई भी सब्ज़ी बनाने का आपको मन ना कर रहा हो ना, तो ये झटपट से बन जाने वाली सब्ज़ी, मतलब दही तिखारी की रेसिपी, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। अब नमक को ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे, मतलब गैस बंद कर देंगे हम, और इसे हम वहाँ पे से गैस से हटा लेंगे और दूसरी जगह रख देंगे। और 1 मिनट तक हमें इसे चलाते चलाते अच्छे से इसे कर लेना है ठंडा। और ये जब एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स। ध्यान रखना है कि हमारा मसाला बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और गैस पे से हमें कढ़ाई हटा लेनी है। और दही मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से हमने इसे कर लिया है मिक्स, और फिर देखिए कितना बढ़िया सी ये रंगत लग रही है ये रेसिपी की। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी दही तिखारी बनके रेडी है। अब हमने इस पे डाल दिया है धनिया, और धनिया डाल देने के बाद अब ये रेडी है, और इसे आप चपाती के संग, रोटला के संग, किसी के भी संग खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ तो मैंने बजरी की रोटी, हमारे गुजरात में रोटला कहते हैं, मैंने बजरी की रोटी बना के तैयार कर ली थी, मर्चे तल लिए थे, और ये हमारी दही तिखारी की सब्जी सर्व कर ली थी। तो ये तैयार है हमारा देसी खाना, बजरी का रोटला, दही तिखारी की सब्जी और हरी मिर्च। तो चलिए ट्राई करते हैं कि ये कैसी बनी है। तो अरे, मैंने ही बनाई है इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये सच में मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।